गौसे पाक अपने मुरीदों के साथ कुर्दिस्तान पहुंचे, लाखों की बस्ती और गैर मुस्लिम, बड़े सख्त लोग। गौसे पाक इस कौम के सेंटर में पहुंचे, मरकज में पहुंचे, बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी। उस कुर्द कौम का एक बड़ा शख्स सामने आया, वो बगदाद और मिस्र में रह चुका था, कुछ हदीसें भी उसने सुनी हुई थी। गौसे पाक शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बाबरकत में हाजिर होकर अर्ज करता है, क्या आपके नबी का ये फरमान है, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अंबिया की तरह है? यानी जिस तरह अंबिया किराम अलैहिस्सलाम नेकी की दावत दिया करते थे, इस उम्मत के लोग, इस उम्मत के उलमा भी नेकी की दावत आम किया करेंगे? गौसे पाक ने फरमाया, तुम्हें शक है? कहने लगा, हजरत ईसा अलैहि सलाम बनी इसराइल के नबी, उनको अल्लाह पाक ने मौजा दिया कि मुर्दों को जिंदा करते थे। अब उसने कहा कि आप इस उम्मत के आलिम हैं, आपकी बात जब मानेंगे आप मुर्दों को जिंदा करके दिखाएं। फरमाया, इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है, कौन से मुर्दे को जिंदा देखना चाहते हो? कुर्द कौम के सरदार मेरे गौसे पाक को करीबी कब्रिस्तान में ले गए, बहुत पुरानी कब्र की तरफ इशारा किया, इस मुर्दे को जिंदा देखना चाहते, आप कब्र के पास तशरीफ लाए। फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से उठ। इतना फरमाना था कि कब्र खुली और मुर्दा सर बाहर निकालकर खड़ा हो गया। पहले सलाम अर्ज किया गौसे पाक की बारगाह में, फिर अर्ज किया, क्या क्यामत कायम हो गई? फरमाया, नहीं। तू इन लोगों को बता, तू किस दौर का है? अर्ज की, मैं हजरत दानियाल अलैहि सलाम के वक्त का हूं, अल्लाह के नबी दानियाल अलैहि सलाम, और उन्हीं के दीन पर मुझे मौत आई। गौसे पाक ने इरशाद फरमाया, तुम वापस कब्र में चले जाओ, क्यामत तक तुम्हें कब्र में रहना है। कुर्द कौम के सरदार अपनी आंखों से मंजर देख रहे थे, बातें सुन रहे थे। आपकी ये जिंदा करामत देखकर तमाम सरदार और उनकी कौम कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई। अब किसी को वसवसे आए कि जिंदा करना मौत देना तो अल्लाह के इख्तियार, इंसान मुर्दे कैसे जिंदा कर सकता है? एक बार मर गया वो दोबारा जिंदा कैसे हो सकता है? तो याद रखिए, मुसलमानों का यही अकीदा है, अल्लाह पाक की अता के बगैर अपनी जाती ताकत से मुर्दे जिंदा करना तो वो दूर की बात है, कोई एक तिनका भी नहीं हिला सकता, और अल्लाह पाक ताकत बख्शे तो आदमी मुर्दे भी जिंदा कर सकता है। तो अल्लाह की अता से, अल्लाह के इज्न से, अल्लाह की दी हुई कुदरत से मेरे गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा किया।